नमस्कार। महापुराण के इस अध्याय में मैं सौरभ राज जैन एक नई और रोचक पौराणिक कथा के साथ उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे असुर की जिसकी चर्चा पौराणिक कथाओं के साथ साथ रामायण और महाभारत में भी है। इस असुर का नाम है अंधक। बड़ा ही शक्तिशाली है। अंधक का नाम अंधक इसलिए पड़ा क्योंकि वो बलशाली तो था ही, लेकिन साथ ही में अपनी अहंकार में इतना चूर था कि आंखें होते हुए भी अंधा था। हमने असुरों और देवताओं के युद्ध की कहानी कई बार सुनी है। कभी विष्णु जी का सुदर्शन चक्र काम आता है, कभी शिव जी का त्रिशूल काम आता है, किसी कथा में तो पुष्पक विमान की भी चर्चा है। क्या आपने कभी सोचा है इन सभी चीजों का निर्माण किसने किया? कौन है वो ज्ञानी? कौन है जिसे आधुनिक युग में भी निर्माणकर्ताओं का प्रमुख कहा गया है? ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखिए अंधक की ये कहानी। प्रभु, आज का दिन बड़ा ही विशिष्ट है। इंद्रदेव ने बड़ा कारनामा कर दिखाया था। आपको कश्यप ऋषि याद है ना? हमें बता रहे हैं, कश्यप ऋषि के परिवार ने ही तो ब्रह्मांड के लोगों का निर्माण किया है। 17 पत्नियां थी उनकी। हाँ, पहली का नाम अदिति, दूसरी का नाम दिति, और दिति की सभी संतानों ने दानव रूप में जन्म लिया था। हाँ, और जिनका वध हमारे देवराज इंद्र ने ही किया था। हाँ। वो भी आज के ही दिन। हाँ प्रभु। परंतु प्रभु, सुनने में आया है कि कश्यप ऋषि की पत्नी दिति एक बार फिर मां बनने वाली है। इसका अर्थ है एक और राक्षस का जन्म। ये तो अच्छा नहीं है। नारायण नारायण। अरे दीति, ये क्या कर रही हो? आपको इतना कार्य करने से मना किया है ना? स्वामी की सेवा करना मेरा धर्म है। अपनी सेहत का ख्याल रखने को भी इन्हीं कश्यप ऋषि ने कहा है ना? चलो जाओ और विश्राम करो। हाँ हाँ, जाती हूँ बाबा। अरे दीति। प्रणाम स्वामी। आयुष्मान भव। गुरुदेव, अब आप ही इन्हें समझाइए कि इस अवस्था में इतने कार्य ना करे। अच्छा अच्छा, नहीं करूंगी। तू जा अपना कार्य कर और ये पानी मुझे दे, मैं पौधे में पानी डाल दूंगी। तू जा। सेवा करती हो तुम मेरी। ये तो मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं दीति। मांगो, मैं आज तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। जो चाहे मांग लो। मेरे मन में आज भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है स्वामी। देवराज इंद्र ने मेरे सभी पुत्रों का संहार किया था।
वो दिन आज भी मैं नहीं भूली। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी आने वाली संतान इतनी शक्तिशाली हो कि वो देवताओं का जीना मुश्किल कर दे। एक माँ के मन की वेदना मैं समझ सकता हूँ। मैं कश्यप ऋषि तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें एक बलशाली और शक्तिशाली पुत्र होगा जिसे कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकेगा। मात्र प्रणाम देवराज। आइए आइए वायुदेव, आपकी ही तो कमी थी। कहां से आ रहे हैं? कश्यप ऋषि के आश्रम की तरफ से आ रहा हूं देवराज। पत्नी सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दीति को महाशक्तिशाली महाबली संतान को जन्म देने का वरदान दिया है। बस इतनी जानकारी मिली है। चलो, दीति का एक और आने वाला पुत्र मेरे ही हाथों मारा जाएगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज, प्रणाम देवगण। सुना? मैंने भी सुना जो वायुदेव ने कहा। अति शक्तिशाली अति बलवान का अर्थ समझते हैं देवराज? देव ऋषि, आप बता रहे हैं या डरा रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ, परंतु आप डर रहे हैं। वैसे मैंने तो वही कहा जो मुझे पता है। अरे देख लेंगे उसकी शक्ति को भी। पहले बालक को संसार में तो आने दो, उसके भाइयों की तरह उसका अंत भी मेरे ही हाथों लिखा है। नारायण नारायण। अब इन्हें क्या पता कि देवताओं का काल किसी भी समय आ सकता है। नारायण। प्रणाम गुरुदेव। क्या शुभ समाचार है गुरुदेव? दीति को पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र? हाँ। वो संसार में आ गया है। अंधक राक्षस ना, वो अब देवताओं के साथ क्या करेगा और देव ऋषियों के साथ क्या करेगा? वो तो समय ही बताएगा। किंतु अंधक राक्षस बड़ा ही निर्दयी होगा और देवताओं के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। क्या? सुनो पुत्र, इस संसार में कभी किसी के साथ मित्रता मत करना, किसी के भी साथ नहीं। तुम दानव पुत्र हो, मेरे पुत्र हो, है ना? ये सारे देवता तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेना है, एक एक देवताओं को मारना है, तुम्हें और इस दानव राज्य का राजा बनना है। अरे वो देखो, तुम्हारे पिताश्री भी आ गए। और कैसा है हमारा अंधक? अंधक अपनी शक्ति और पराक्रम से इतना प्रकाश फैलाएगा कि समग्र देवता अंधे हो जाएंगे। कोई भी टिक नहीं सकता मेरे पुत्र अंधक के सामने। नारायण नारायण नारायण। पधारिए नारद। प्रणाम गुरुवर। पुत्र प्राप्ति की ढेर सारी बधाई हो। बड़ा ही प्यारा बालक है अंधक। इतनी जोर से काट लिया, ये तो बहुत प्रभावशाली बालक है। हाँ, शक्तिशाली है, अति बलवान और पराक्रमी भी है।
मेरे आशीर्वाद से इसमें हजारों हाथियों की शक्ति है, असंख्य भुजाओं का बल और कई गुप्त शक्तियां भी हैं। नारायण नारायण। याद आ गए नारायण, कह देना अपने देवताओं से कि उनके काल का आगमन हो गया है, जरा संभल कर रहे। आज बेटा ये तो डरा कर चली गई। दीति की बात को हंसी में ना उड़ाइएगा नारद, देवताओं का काल आ चुका है। ये तो अच्छी बात नहीं है। नारायण नारायण। वैसे तो सारे देवता स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन इंद्र देवताओं के भी देवता हैं, इसलिए उनके रहने का स्थान भी विशेष है, इंद्रलोक। इसे अमरावती भी कहते हैं। इसी अमरावती में स्थित है नंदन वन, जहां पर ऐसे प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो सामान्य तौर पर हर जगह नहीं मिलते। इन्हीं में से एक है कल्प वृक्ष। कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कुछ भी मांगो वो अवश्य मिल जाता है। इंद्रलोक के खंभे सोने के बने हैं और उस पर हीरे जड़े हुए हैं। इंद्रलोक का निर्माण किया है विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा को निर्माण और वास्तुशास्त्र का देवता बताया गया है। विश्वकर्मा ने कौन कौन सी चीजों का निर्माण किया है ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन अभी देखिए अंधक की इस कहानी में आगे क्या होता है। तो शक्ति का भंडार है, देवता लोग हमसे डरते हैं। हमारे पास आज अस्त्र शस्त्र आयुध सब कुछ तो है। देवताओं के राजा हैं हम, देवराज इंद्र। आज हमारे पास अग्नि है, वरुण है, वायु है, यम है, ये क्या कम है? क्या है दानवों के पास? क्या है दानवों के पास? उनके पास अंधक है। अंधक? नारद मुनि आए थे उस अंधक बालक के विषय में बड़ी बड़ी बातें बता के गए थे मुझे, परंतु आज कितना समय हो गया उस बालक को जन्म लिए, क्या वो कुछ कर सका देवताओं का? नहीं कर सका और कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डरता है, देवराज इंद्र से डरता है। देवराज, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अंधक अभी बड़ा हो गया और उसे कश्यप ऋषि का वरदान है कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। देवता नहीं मार सकते ना, परंतु देवताओं के राजा इंद्र तो मार सकते हैं। समय आने पर स्वयं देवराज इंद्र उस अंधक को बंधक बनाकर यहीं बिठाएंगे। देवराज इंद्र की ये तीनों लोग क्यों कांप रहे हैं? वायुदेव देखना। जी महाराज। इंद्रदेव, एक तो मुझे बुखार आया, ऊपर से ये भूचाल आया। देवराज, ये अंधक राक्षस का ही प्रताप है। अंधक राक्षस को गुस्सा आ गया है, अब वो देवताओं पर आक्रमण करने निकल चुका है। देवराज, शांत हो जाओ पुत्र, पुत्र शांत हो जाओ। हर कार्य का एक समय होता है पुत्र, देवताओं से युद्ध करने का निश्चित समय भी तुम्हें जल्द ही मिलेगा। नहीं पिताश्री,
मैं किसी भी देवता को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक देवता को चुन चुन कर मारूंगा। जब तक सारे देवताओं को समाप्त नहीं कर देता तब तक शांति नहीं मिलेगी मुझे। पिता से शांति नहीं मिलेगी। अरे नारद आप कहिए क्या हुआ? अब तो हमें भी पूछना पड़ेगा। क्या नारद आप यहाँ? नारद अंधक राक्षस का कोई समाचार मिला क्या? क्यों आपको अंधक राक्षस को भोजन का निमंत्रण देना है? नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे वैसे तो आप कुछ नहीं पूछती माते। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है, परंतु नारद के मुख से सुनकर ही मानेंगी। तो सुनिए अंधक राक्षस अब बड़ा हो गया है और कोई नहीं जानता कि वो देवताओं के साथ क्या करेगा। जो राक्षस अपने गुस्से मात्र से तीनों लोगों को हिला सकता है वो राक्षस कितना शक्तिशाली होगा। प्रभु इसका अर्थ है ये अंधक राक्षस हम देवताओं की हालत पतली 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 कर देगा। हाँ हालत तो बहुत ही दयनीय करेगा। लगता है देवताओं का अंतिम समय आ गया। वायुदेव जी देवराज क्या सोच रहे हैं आप? यही कि आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा है उत्तर तो बहुत अच्छा है परंतु आप क्या सोच रहे हैं देवराज? यही कि उस अंधक को बंधक कैसे बताया जाए। नारायण 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 प्रणाम। बड़े चिंतित व्यतीत होते हैं देवराज। हाँ वो देव ना ना ना, ना। हाँ हाँ बताइए ना देवराज। कुछ बात ही नहीं है क्या बताएं? ठीक है अब आपको नहीं बताना तो आपकी इच्छा परंतु हाँ मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो अवश्य बताइएगा। अच्छा है बहुत अच्छा है। भजन कीर्तन की आवश्यकता होगी तो आपको अवश्य याद करेंगे। यहाँ तो पराक्रम की बातें हो रही हैं। यहाँ आपका क्या काम? आप तो जाइए और ये वीणा बजाइए और प्रभु गुण गाइए। अकेले कहीं निकलना भी सुरक्षित नहीं है। अंधक राक्षस कभी भी कहीं भी आ जाता है। देवलोक में कोई नहीं आ सकता ऐसा तुम्हें लगता है लेकिन अंधक कहीं भी आ सकता है। प्रभु 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 कहो सुदर्शन क्या हुआ? कहो सुदर्शन क्या हुआ? चिंतित दिखाई दे रहे हो। विषय है चिंता का है देवी। हाँ क्या हुआ नारद को? पता नहीं। नारद से आपको क्या कार्य है? नहीं कुछ नहीं। नारद हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते हैं ना इसीलिए। आकाश में तीर चलाना बंद कीजिए देवी। सुदर्शन बताइए क्या हुआ? प्रभु ऋषि कश्यप और दीति के पुत्र दानव अंधक ने हाहाकार मचाया हुआ है प्रभु हाहाकार। अलग अलग जगह एक एक दो दो देवताओं को ढूंढकर उन पर आक्रमण करता है प्रभु। उन्हें मारता है और किसी के हाथ में भी नहीं आता। ऋषि कश्यप की योजना के अनुसार ही कार्य कर रहा है उसका पुत्र। उसे पता है
यदि सभी देवता एक साथ मिल जाएंगे तो उनकी शक्तियां भी एक हो जाएंगी, इसीलिए वो अलग अलग जगह पर केवल एक दो देवताओं पर ही आक्रमण करता है। प्रभु, ये बात देवराज इंद्र को पता है? अवश्य, उन्हें तो पता ही होगी। अब तक तो वो क्रोध में उबल रहे होंगे। क्या? और दो देवताओं का वध कर दिया उस अंधक ने? हाँ देवराज, 21। अब तक 21 देवताओं को मार चुका है अंधक। ये तो अच्छा नहीं है। आई? कौन आई? देवराज, ये सब छोड़िए और ये सोचिए अब करना क्या है, वरना अंधक एक के बाद एक सभी देवताओं को मार डालेगा। हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, कभी वामन, कभी नरसिंह, कभी राम, कभी कृष्ण। रामायण में जिस लंका का वर्णन बार बार आता है, उस लंका का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया था। कथा ये है कि जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ, तब शिव ने विश्वकर्मा से आग्रह किया कि आप ऐसा महल बनाएं जो ना पहले कभी बना हो और ना भविष्य में कभी बन सके। तब विश्वकर्मा जी ने लंका का निर्माण किया। गृह प्रवेश की पूजा में जब शिवजी ने रावण को बुलाया, तब दक्षिणा में जब उससे पूछा गया कि तुम क्या लोगे, तो रावण को लंका इतनी पसंद आई कि उसने लंका ही मांग ली और शिवजी ने बिना कुछ सोचे एक पल में लंका रावण को दे दी। ऐसे ही एक और कथा में जब जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण कर रहा था, तब मथुरा वासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने निर्णय लिया कि वो मथुरा छोड़ देंगे और विश्वकर्मा जी से आग्रह किया कि आप ऐसा नगर बनाएं जिस पर हमला करना लगभग असंभव हो। तब विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीचों बीच द्वारका बनाई। कहते हैं द्वारका उन्होंने एक रात में बना दी थी। द्वारका में आने जाने के बहुत से द्वार हैं, इसी कारण से इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। कुछ नहीं कर सकता इंद्र, कुछ नहीं, तुम एक एक दो दो कर तभी देवताओं को परास्त कर दो। लेकिन हां, जरा ध्यान से, क्योंकि वहां पर भी एक चतुर देवता रहता है जिसका नाम है नारायण। तो ठीक है पिताश्री, सर्वप्रथम मैं उस नारायण को ही समाप्त करूंगा। नहीं, तुम पहले छोटे छोटे देवताओं को साफ करो। लेकिन हां, जरा संभल कर। इतने सारे शक्तिमान मेरे सामने खड़े हैं और मैं क्या सोच रहा हूं? क्या सोच रहे हैं देवराज? इंद्रदेव, मैं जाता हूं। हाँ, डर गए, संकट की घड़ी आए तो डर गए, चल दिए। इंद्रदेव, मैं डर नहीं गया हूं, मैं अपनी अग्नि की ज्वाला से उस अंधक राक्षस को जलाकर भस्म कर दूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए, देवताओं का उत्तराधिकारी बनकर उस अंधक का काम तमाम कर दीजिए। यहीं पर आएगा। गुप्चर, तुम्हारी जानकारी तो पक्की है ना? हाँ हाँ प्रभु, अंधक यहीं से निकलने वाला है। अग्नि हो ना तुम, अग्नि भी मुझे नहीं जला सकती। मुझे पता था कि वो मूर्ख किसी न किसी देवता को यहां अवश्य भेजेगा, क्योंकि मैंने ही अफवाह फैला दी थी कि मैं यहां हूं। अंधक, तुझे तो आज मैं अपनी अग्नि की ज्वाला से भस्म करके सभी देवताओं को तुझसे मुक्ति दिलाऊंगा। तो ठीक,
भस्म कर दो मुझे। क्या हुआ अग्निदेव, भस्म नहीं कर पाए? अब मैं किसी भी देवता को नहीं छोड़ूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। देवराज, देवराज, देवराज! क्या हुआ? अंधक मारा गया ना? हमें तो पूर्ण विश्वास था कि अग्निदेव अपना कार्य पूर्ण करके आएंगे। कार्य पूर्ण नहीं हुआ इंद्रदेव। क्या अंधक जीवित है? हाँ वायुदेव। आपको तो पता ही होगा कि हमारे पुत्र अंधक ने सभी देवताओं की नाक में दम कर दिया है। हाँ पता है हमें, अग्निदेव भी अंधक की शक्तियों के आगे परास्त हो गए और भाग गए। हाँ, सभी देवता या तो भाग जाएंगे या तो मारे जाएंगे। लेकिन सुनो, नारायण नारायण नारायण, प्रणाम ऋषिवर। पधारिए नारद, आइए भोजन कीजिए। भोजन तो नहीं करूंगा, परंतु भोजन का नाम लिया है तो जल ग्रहण कर सकता हूं। माते, धन्यवाद माते। काफी चर्चा चल रही है आपके पुत्र अंधक की। आपका पुत्र तो बड़ा ही निराला है, सभी देवताओं की नींद उड़ा रखी है आपके शक्तिशाली और बलशाली अंधक ने। ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए सभी देवताओं को परास्त कर देगा मेरा पुत्र अंधक। मेरे पुत्र अंधक को कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता है। बहुत जल्द देवलोक में हाहाकार मचा देगा मेरा अंधक, कोई देवता नहीं टिक पाएगा। आपने शक्ति ही इतनी ज्यादा दी है अपने प्रिय अंधक को कि कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इंद्र वायु वरुण तो भाग खड़े होंगे। धीरे धीरे देवराज, इंद्र के सभी शस्त्र समाप्त होने दीजिए, फिर मेरा अंधक सभी देवताओं को समाप्त कर देगा, हाहाकार मचा देगा। विश्वकर्मा जी को निर्माणकर्ताओं का प्रमुख माना जाता है। इन्हें विश्व का पहला लोहार, पहला बढ़ई, पहला स्वर्णकार और पहला मिस्त्री भी माना जाता है। ऋग्वेद में इनके रूप की चर्चा में कहा गया है कि इनकी आंखें, हाथ, पैर हर दिशा में है। इसलिए कहीं भी जो भी निर्माण होता है उसका निर्माणकर्ता वास्तव में विश्वकर्मा जी का ही रूप है। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक एक करके सारे देवता अंधक राक्षस से परास्त हो रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी इंद्रदेव, पर अंधक पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उस अंधक राक्षस को अवश्य ही कोई अनोखा वरदान प्राप्त हुआ इंद्रदेव, और मुझे तो लगता है कि उसे मारने का भी कोई अलग ही उपाय होगा। और वो उपाय खोजते खोजते वो यहाँ आ गया। तो देवराज, 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 रुको भाई। देवराज, अंधक राक्षस ने और पांच देवताओं को
माफ कर दिया है। अब तो बस एक ही उपाय बचा है। परिवर्तन संसार का नियम है। प्रभु! ओह, क्या हुआ? इतना जोरदार प्रभु? प्रभु, देवराज इंद्र, आप कहिए। प्रभु, कुछ बताने लायक बचा ही नहीं। तो यहाँ आए क्यों हैं? अब मुसीबत में आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे प्रभु नारायण? अग्निदेव, विस्तार से कहिए क्या बात है। ओ, प्रभु, अंधक राक्षस ने उत्पात मचा रखा है। उसे कैसे मारे प्रभु? कोई उपाय बताइए प्रभु। उपाय? अंधक की मृत्यु के बारे में तो एक ही व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। कौन? स्वयं नारद। नारायण नारायण। अग्निदेव, कुछ गलती हो गई क्या? ये तो बताते बाद में, भस्म पहले करते हैं। प्रणाम, मैं चलता हूँ। लगता है कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रणाम इंद्रदेव, मैं यहाँ पे वरुण देव भी आए हैं। प्रणाम वरुण देव, मैं चलता हूँ। वायुदेव भैया, आप लोग मुझे क्यों घेर रहे? तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे कोई गलती हो गई, मेरे मुंह से कुछ गलती से बात निकल गई होगी, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता था जो मैं कह रहा था। मेरे को गलती हो गई, मेरे को माफ कर दीजिए। देवऋषि नारद, आपसे कभी कोई भूल हो सकती है क्या? कभी नहीं। हम तो आपसे सहायता मांगने आए हैं देवऋषि। सहायता? परंतु कैसी सहायता? हमारी रक्षा कीजिएगा ना। देखिए, हमारी रक्षा कीजिए। देखिए, आपको वत्सला की सौगंध। परंतु हुआ क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है देवऋषि। उस अंधक राक्षस को मौत के मार्ग पे कैसे लेके जाना है ये मुझे पता है। नारायण, कितनी मनमोहिनी सुगंध है इस मंदार पुष्प की, जो भी सूंघे मंत्रमुग्ध हो जाए। और हाँ, मुझे पता है कि उस अंधक दानव को इसकी सुगंध अति प्रिय है। वो इसके लिए यहाँ पर आएगा जरूर, और जब आएगा जरूर तो भोलेनाथ के पास जाएगा जरूर। नारायण नारायण। मुझे ये माला चाहिए, इसकी सुगंध बहुत अच्छी है। दो है ना, है ना? मुझे पता है तुम्हें मंदार पुष्प की सुगंध कितनी पसंद है। तो मुझे दो। अरे अरे, लेकिन नहीं नहीं, इतने बड़े अंधक, इतने बड़े दानव, और ये तुच्छ सी माला। नहीं नहीं, आपको तो पूरा पहाड़ उखाड़ देना चाहिए। बात में दम है, मैं पूरा मंदार पर्वत ही उखाड़ लूंगा। बता मुझे कहाँ मिलेगा? मैं पूरा पहाड़ ही लेना चाहता हूँ, कहाँ मिलेगा बताओ। वैसे तो बहुत ही दूर है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही पास। तुम्हारे लिए तो वो देखो, मंदार के पुष्पों का पहाड़ उखाड़ लो। लेकिन याद रखना, उस पर्वत की रक्षा शिवगण करते हैं, उनसे बच के रहना। उन्हें बचना होगा तो वो मुझसे दूर रहेंगे। मैं किसी से भयभीत नहीं होता। मैं जा रहा हूं और पूरा पर्वत ही लेकर आऊंगा। जाओ जाओ अंधक, जाओ जाओ, पर्वत उखाड़ दो। और पर्वत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है अंधक, और तुम्हारी मृत्यु भी। नारायण नारायण। मार्कंडेय पुराण में विश्वकर्मा की पुत्री सरण्य की कथा है। सरण्य सूर्य देव की पत्नी है। जब सरण्य सूर्य देव के ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उन्होंने अपने पिता से मदद मांगी। तब विश्वकर्मा ने
सूर्य देव के ताप का आधा भाग अलग कर दिया। लेकिन प्रश्न ये था कि इस ताप का इस्तेमाल वो कहां करते, क्योंकि विश्वकर्मा एक बहुत ही अच्छे निर्माण करता है, इसीलिए उन्होंने इस ताप से भी अद्भुत निर्माण किए। इनमें से प्रमुख हैं विष्णु का सुदर्शन, शिव का त्रिशूल और गणेश के भाई कार्तिकेय का अस्त्र वेल। तो ये है मंदार पर्वत। रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? हम सुगन हैं, इस पर्वत की रक्षा करते हैं। तुम मुझे रोकोगे? हाँ। प्रणाम महादेव, प्रणाम। आयुष्मान नारद, कहो क्या हुआ? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, यही बता दीजिए क्या नहीं हुआ। ये तो पता नहीं, पर जो हुआ वो बताता हूँ। वो देखिए महादेव, वो दुष्ट अंधक राक्षस आपके प्रिय मंदार पुष्प का पहाड़ उखाड़ के ले जा रहा है, रोकिए उसे। कौन हो तुम? सामने आओ, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। महादेव मैं भी आ रहा हूं। महादेव तुम तो एक सन्यासी हो, मेरे मार्ग में बाधा मत बनो, अन्यथा। नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इंद्रदेव धन्यवाद तो नारद का कीजिए। जी हाँ, क्योंकि नारद जी को ही पता था कि अंधक की मृत्यु कैसे होगी। लेकिन सुनो, अंधक से कहना कि किसी भी देवता से युद्ध कर ले, लेकिन भोलेनाथ को ना छेड़ना, वरना भोलेनाथ उसे परास्त कर देंगे। परंतु प्रभु ये बात आपको कैसे पता? अच्छा प्रश्न है नारद। जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता, और जो सबको पता है वो भी मुझे पता है। आपको तो सब पता है प्रभु। नारद, देवताओं को आतंकित करने वाले अंधक का तो यही हाल होना था। मैं कुछ नहीं करता, जो भी करता हूं मेरे प्रभु मुझसे करवाते हैं। किंतु अंधक को मारने का श्रेय आपको ही जाता है नारद। आज आपकी चतुराई से सभी देवता बच गए। नारायण नारायण। हमारे देश में आज भी विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। सारे यंत्रों को उन्हीं का निर्माण माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन इन्हीं यंत्रों की पूजा की जाती है। ये पूजा सिर्फ कारखानों या औद्योगिक क्षेत्र के लोग ही नहीं करते, बल्कि हर प्रकार का कार्य करने वाले लोग करते हैं, क्योंकि हर किसी कार्य में किसी ना किसी यंत्र की आवश्यकता तो होती ही है। आज के अध्याय में बस इतना ही। कल के अध्याय में मैं सौरभ राज जैन आपको फिर मिलूंगा एक और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।